राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय आठ। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय आठ। मंदिर की प्रतिष्ठा। तब सुलेमान ने इसराइली पुरुणियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुष जो इसराइलियों के पूर्वजों के घरानों के प्रधान थे, उनको भी यरूशलेम में अपने पास इस मनसा से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर अर्थात सियोन से ऊपर ले आए। सो सब इसराइली पुरुष एतानीम नाम सातवें महीने के पर्व के समय राजा सुलेमान के पास इकट्ठे हुए। जब सब इसराइली पुरुनिया आए, तब याजकों ने संदूक को उठा लिया और यहोवा का संदूक और मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे, उन सबों को याजक और लेवीय लोग ऊपर ले गए और राजा सुलेमान और समस्त इसराइली मंडली जो उसके पास इकट्ठी हुई थी, वे सब संदूक के सामने इतनी भेड़ और बैल बलि कर रहे थे जिनकी गिनती किसी से नहीं हो सकती थी। तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान को अर्थात भवन के दर्शन स्थान में जो परम पवित्र स्थान है पहुंचाकर करूबों के पंखों के तले रख दिया। करूब तो संदूक के स्थान के ऊपर पंख ऐसे फैलाए हुए थे कि वे ऊपर से संदूक और उसके डंडों को ढाके थे। डंडे तो ऐसे लंबे थे कि उनके सिरे उस पवित्र स्थान से जो दर्शन स्थान के सामने था दिखाई पड़ते थे, परंतु बाहर से वे दिखाई नहीं पड़ते थे। वे आज के दिन तक यही वर्तमान है। संदूक में कुछ नहीं था उन दो पटरियों को छोड़ जो मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखी जब यहोवा ने इसराइलियों के मिस्र से निकलने पर उनके साथ वाचा बांधी थी। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, तब यहोवा के भवन में बादल भर आया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में बास किए रहूंगा। सचमुच मैंने तेरे लिए एक वासस्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है जिसमें तू युगानुयुग बना रहे। और राजा ने इसराइल की पूरी सभा की ओर मुंह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया और पूरी सभा खड़ी रही और उसने कहा, धन्य है इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथ से उसे पूरा किया है कि जिस दिन से मैं अपनी प्रजा इसराइल को मिस्र से निकाल लाया, तब से मैंने किसी इसराइली गोत्र का कोई नगर नहीं चुना जिसमें मेरे नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए, परंतु मैंने दाऊद को चुन लिया कि वह मेरी प्रजा इसराइल का अधिकारी हो। मेरे पिता दाऊद की यह मंशा तो थी कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, यह जो तेरी मनसा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी मनसा करके तूने भला तो किया, तो भी तू उस भवन को न बनाएगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। यह जो वचन यहोवा ने कहा था उसे उसने पूरा भी किया है और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इसराइल की गद्दी पर विराजमान हूं और इसराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम से इस भवन को बनाया है और इसमें मैंने एक स्थान उस संदूक के लिए ठहराया है जिसमें यहोवा की वह वाचा है जो उसने हमारे पुरखाओं को मिस्र देश से निकालने के समय उनसे बांधी थी। तब सुलेमान इसराइल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इसराइल के परमेश्वर, तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर कोई परमेश्वर है।
तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था, वैसा ही अपने हाथ से उसको पूरा किया है, जैसा आज है। इसलिए अब हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था, कि तेरे कुल में मेरे सामने इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। इतना हो कि जैसे तू स्वयं मुझे सन्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी ही चौकसी करें। इसलिए अब हे इस्राएल के परमेश्वर, अपना जो वचन तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया, उसे सच्चा सिद्ध कर। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर पास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? तब भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और यह प्रार्थना सुन, जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूं, कि तेरी आंख इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा कि मेरा नाम वहां रहेगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले, और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करे उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए और वह आकर उस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में सुनकर अर्थात अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को दुष्ट ठहरा और उसकी चाल उसी के सिर लौटा दे, और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। फिर जब तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिरकर तेरा नाम ले और इस भवन में तुझसे गिड़गिड़ाहट से प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से सुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, जब वे तेरे विरुद्ध पाप करे और इस कारण आकाश बंद हो जाए कि वर्षा न होए। ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने, जब तू उन्हें दुख देता है और अपने पाप से फिरे, तो तू स्वर्ग में से सुनकर क्षमा करना और अपने दासों और अपनी प्रजा इस्राएल के पापों को क्षमा करना। तू जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जो तूने अपनी प्रजा का भाग कर दिया है पानी बरसा देना। जब इस देश में काल व मरी व झुलस हो व गेरुई व टिक्किया व कीड़े लगे व उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेरे रहे, अथवा कोई विपत्ति व रोग क्यों न हो, तब यदि कोई मनुष्य व तेरी प्रजा इस्राएल अपने अपने मन का दुख जान ले और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे, अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो सब आदमियों के मन के भेदों को जानने वाला है। तब वे जितने दिन इस देश में रहे जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, उनके दिन तक तेरा भय मानते रहे। फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इस्राएल का न हो, जब वह तेरा नाम सुनकर दूर देश से आए, वह तो तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा का समाचार पाए। इसलिए जब ऐसा कोई आकर इस भवन की ओर प्रार्थना करे, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुन, और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे उसी के अनुसार व्यवहार करना, जिससे
पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इस्राएल की नाई तेरा भय माने और निश्चय जाने कि यह भवन जिसे मैंने बनाया है वह तेरा ही कहलाता है। जब तेरी प्रजा के लोग जहां कहीं तू उन्हें भेजे वहां अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाए और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस नगर की ओर जिसमें मैंने तेरे नाम पर बनाया है यहोवा से प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर उनका न्याय कर। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, यदि ये भी तेरे विरुद्ध पाप करे और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उनको बंधुआ करके अपने देश को चाहे वह दूर हो चाहे निकट ले जाए, तो यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करके और फिरकर अपने बंधुआ करने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ाहट करे कि हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है, और यदि वे अपने उन शत्रुओं के देश में जो उन्हें बंधुआ करके ले गए हो अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से तेरी ओर फिरे और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है तुझसे प्रार्थना करे, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करेंगे और जितने अपराध वे तेरे विरुद्ध करेंगे सबको क्षमा करके उनके बंधुआ बनाने वालों के मन में ऐसी दया उपजाना कि वे उन पर दया करें, क्योंकि वे तो तेरी प्रजा और तेरा निज भाग है जिन्हें तू लोहे के भट्टे के मध्य में से अर्थात मिस्र से निकाल लाया है। इसलिए तेरी आंखें तेरे दास की गिड़गिड़ाहट और तेरी प्रजा इस्राएल की गिड़गिड़ाहट की ओर ऐसी खुली रहे कि जब जब वे तुझे पुकारे तब तब तू उनकी सुन ले, क्योंकि हे प्रभु यहोवा अपने उस वचन के अनुसार जो तूने हमारे पुरखाओं को मिस्र से निकालते समय अपने दास मूसा के द्वारा दिया था, तूने इन लोगों को अपना निज भाग होने के लिए पृथ्वी की सब जातियों से अलग किया है। जब सुलेमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था सो यहोवा की वेदी के सामने से उठा और खड़ा हो समस्त इस्राएली सभा को ऊंचे स्वर से यह कहकर आशीर्वाद दिया कि धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है, जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था वैसे ही हमारे संग भी रहे, वह हमको त्याग न दे और न हमको छोड़ दे, वह हमारे मन अपनी ओर ऐसा फिराए रखे कि हम उसके सब मार्गों पर चला करें और उसकी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें उसने हमारे पुरखाओं को दिया था नित माना करें। और मेरी ये बातें जिनकी मैंने यहोवा के सामने विनती की है वह दिन और रात हमारे परमेश्वर यहोवा के मन में बनी रहे, और जैसा दिन दिन प्रयोजन हो वैसा ही वह अपने दास का और अपनी प्रजा इस्राएल का भी न्याय किया करे, और इससे पृथ्वी की सब जातियां यह जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आज की नाई उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। तब राजा समस्त इस्राएल समेत यहोवा के सन्मुख मेलबलि चढ़ाने लगा, और जो पशु सुलेमान ने मेलबलि में यहोवा को चढ़ाए सो 22,000 बैल और 120,000 भेड़े थी। इस रीति राजा ने सब इस्राएलियों समेत यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। उस दिन
राजा ने यहोवा के भवन के सामने वाले आंगन के मध्य की एक स्थान पवित्र किया और होमबलि और अन्नबलि और मेलबलियों की चर्बी वही चढ़ाई, क्योंकि जो पीतल की वेदी यहोवा के सामने थी वह उनके लिए छोटी थी। और सुलेमान ने और उसके संग समस्त इस्राएल की एक बड़ी सभा ने, जो हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के सब देशों से इकट्ठी हुई थी, 2 सप्ताह तक अर्थात 14 दिन तक हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने पर्व को माना। फिर 8वें दिन उसने प्रजा के लोगों को विदा किया और वे राजा को धन्य धन्य कहकर उस सब भलाई के कारण जो यहोवा ने अपने दास दाऊद और अपनी प्रजा इस्राएल से की थी, आनंदित और मगन होकर अपने अपने डेरे को चले गए।